तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। सो मॉर्निंग हो चुके, फिलहाल 10 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं थार का राउंड मारने के लिए और बाहर की मॉर्निंग की हवा लेने के लिए। दो दिन से लगातार जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओह माय गॉड बहुत गर्म है। सो अभी निकलते हैं मॉर्निंग। गाइज अभी यहाँ पहुँचे पोहा खाने के लिए। क्या नाम है इसका ये एरिया का? बटार विवेकानंद गार्डन के बाजू में यहाँ सबसे बेस्ट मिलता है। सुमित जी बोल रहे हैं ट्राई करते हैं इस बार। अरे कल जल्दी चला गया था क्या? कल जल्दी खत्म हो गया था। हाँ मैं यही बोला, हम लोग कल भी आए थे। तो अभी भाई ट्राई करते, कल आए थे लेकिन पोहा वाला ही चला गया था और आज अभी आए हैं। सुमित जी यहाँ दो चार बार आ चुके हैं और हम पहली बार आए, तो पोहा ट्राई करते कैसा है। टेस्ट बता दो आपको। बहुत ही टेस्टी है, जो अहमदाबाद में मिलता है। अगर आप अहमदाबाद में पालड़ी है, गुजरात कॉलेज है, उस साइड के हो, एलिस ब्रिज साइड, वहाँ पे ऐसा पोहा मिलेगा। और पोहा है एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से भुजिया भुजिया सब डाला हुआ, इसलिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है। खाते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइज एक नंबर पोहा थे, बहुत ही मजा आया और लिमिटेड स्टॉक था। जैसे हम गए 5 मिनट में तो सारा पोहा खत्म, घर के लिए भी नहीं ले जाओ ऐसा हो गया है। तो अभी पोहा खा के फिर निकल रहे हैं आगे और करेंगे थोड़ा एंजॉय। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू सो मच सुमित जी। सो भाई अभी हमारा हो गया नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट शेक हो गया था वैसे, लेकिन अभी पोहा खा के आ गए हैं और अभी वापस क्लब में थोड़ा काम काज करेंगे। सुमित जी राउंड मराने ले जाते ज़बरदस्ती, लेकिन मज़ा आता है। फिलहाल नई नई चीज़ ट्राई करने को मिलता है, अलग अलग जगह देखने को मिलता है और थार का मज़ा तो है ही। सभी क्लब में थोड़ा सा काम करते हैं और करते हैं एंजॉय। मिलते हैं आपको सून, तब तक के लिए बाय बाय। अभी ऑफिस पे आ गया हूँ, सारे लोग चले गए हैं फिलहाल और अभी थोड़ा काम करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी करना है, काम भी करना है और साथ में ग्रेप्स भी खाएंगे, तो करते हैं वर्क। खुशी, ओ खुशू, हाय 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 बोल दो खुशू। खुशू तो कैसी थी खुशू की तबीयत? अच्छी। तो भाई अभी सब जीन सारी चीज मैं लेके आ गया हूँ, मेरे को लेने जाना पड़ता है। खुशू भाई कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बोलो दूसरे के घर जाना है। चलो 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 चलो, आए 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 खुशू, आए आए आए, हाय हाय हाय। गाड़ियों की लाइन लगा दी भाई ने यहाँ, और आज बार हमारा सेटअप अभी चेंज हो गया है। यहाँ सब खुशियों की जगह कम पड़ रही है। खाना रेडी है का? खाना हमारा रेडी है भाई, जबाजब खाने फटाफट खाते हैं। और आज के खाने में है दाल रोटी सब्जी। क्या सलाद लो। तो भाई आज का खाना जबरदस्त है, ऑनियन की सब्जी है ये, जो गर्मी के मौसम में नहीं खानी चाहिए लेकिन मैंने जो सर्दी जैसा है इसलिए मैंने बनवाई। हाय खुशी, ककड़ी टेस्ट कर रही है। सो अभी जल्दी खाते हैं और जल्दी खाने के बाद। वैसे अभी 4 बज गए हैं और मैं उठ चुका हूँ। फिलहाल आज मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं डेली बेसिस पे क्लब जाने से पहले कुछ ना कुछ खा के जाता हूँ। वैसे अभी 3-4 दिन से लगातार खरबूजा खा के जाता हूँ और अदरवाइज पहले सलाद खा के जाता था या कुछ भी ऐसा मतलब हेल्दी टाइप का हो तो वो थोड़ा सा खा के जाता हूँ ताकि भूख नहीं लगे, क्योंकि उठने के बाद तुरंत भूख लगती है। अगर भूख लगने के बाद गलत खा लिया तो ज़्यादा कैलोरी इंटेक हो जाएगी, इसीलिए ये सब लेके जाता हूँ ताकि भूख भी कम लगे या ऐसे चलता रहे। तो अभी खरबूजा खाते हैं फिर नहाने जाते हैं फिर निकलेंगे। इस गाड़ी अपनी क्लीन है और अभी मैं नहा धो के आ गया हूँ नीचे, फिर फटाफट निकलते हैं और जाके। धूप तो है भाई अभी भी, वैसे तो बस 4:30-5 बजने को आ गया है, लेकिन अभी निकलते हैं। गाइस 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं, आपने देखा होगा लास्ट 2 व्लॉग में, सच में नहीं पहना है।
3-4 दिन से जैसे मैं घर से निकलता हूँ, नीचे आता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, बाहर निकलता हूँ, उनके बाद याद आता है वो चश्मा भूल गया, और सुबह भी भूल जाता हूँ। अभी पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तीन दिन से ऐसा हो रहा है लगातार, एक भी बार चश्मा याद नहीं आया और एक भी बार पहना नहीं, और इसकी वजह से आँखें आप देख रहे होंगे लाल दिखाई देती हैं, क्योंकि मुझे दूर का नंबर है और दूर का कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत दूर में अगर देखने जाओ लंबा तो नहीं दिख पाता है, और इसकी वजह से चश्मा पहनना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं 2 दिन से भूल जा रहा हूँ, 2 चश्मा रखता हूँ क्योंकि एक अगर टूट जाए तो दूसरा इमरजेंसी में काम आए, गाड़ी नहीं चला पाता वो लोग लॉन्ग ड्राइव में जाना हुआ तो, इसकी वजह से रखता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ, भूल जा रहा हूँ। जाते हैं ऑफिस पे और देखते हैं आज का काम क्या है। गाइस गोरापन मेरा निखर रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि मैं सभी ये सब खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? कोयले के खाने में स्प्राउट खा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आके भी थोड़ा हल्का सा टेस्ट करते हैं, और अभी इवनिंग न्यूट्रिशन कैफे स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, सभी के साथ एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, बाकी स्किन तो चमक रहे हैं भाई। गाइज इवनिंग न्यूट्रिशन कैफे कंप्लीट करने के बाद अभी हम आ चुके हैं घर पे, और कौन है सैन, सो सैन भी आया है घर पे, और खुशू भाई की तबीयत धीरे धीरे अभी वीक है, इसीलिए हम बाहर घूमने का प्लान किए हैं नाइट में। सो अभी फिलहाल 9:30 बजने को आ गए हैं, और कीर्ति ने भजिया बनाए हैं, तो भजिया साथ में लिया है, और अभी थोड़ा घूमने जाएंगे और बाहर ही नाइट आउट थोड़ा करेंगे, और 1-2 घंटा खुशियों का माइंड फ्रेश हो जाए, इसीलिए हम सब बाहर जा रहे हैं, और थोड़ा सा भजिया टेस्ट करेंगे वहाँ पे, और आराम से बैठ के थोड़ी देर मज़े करेंगे और वापस आ जाएंगे। तब तक भाई को अच्छा हो जाए, क्योंकि थोड़ा वो इंजेक्शन पैर में जो इंजेक्शन लगा है वो थोड़ा सूख गया है, इसकी वजह से वो रो रहा है घर पे, कोई हैरान परेशान कर रहा है, तो अभी चलते हैं जल्दी फटाफट। पहले तो हम जाएंगे VIP रोड पे, और वहाँ पे आराम से बैठ के नाश्ता वास्ता करेंगे, और तब तक खुश होकर खेलेंगे वहाँ पे, और भजिया जो बनाए हैं वो खाएंगे। ओ भाई नींद आ रही है क्या? हैं खुशी भाई नींद आ रही? सो फटाफट निकलते हैं और पहुँच जाते हैं वहाँ पे। सो फाइनली गाइज हम यहाँ VIP रोड पे पहुँच गए हैं, और अभी नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। है कि जी नाश्ता करने के लिए बैठ गए। अपना फोन बंद हो गया है। सो अभी भाई खाते हैं हम ये ज़बरदस्त गर्मा गर्म भजिया चटनी के साथ, और बाकी हाईवे का मज़ा ले रहे हैं। कख जी नाश्ता पानी हो चुका है, और फिलहाल बहुत ही मज़ा आया, और अभी 1/2 घंटे के ऊपर से हम बैठे हुए थे, और अभी आगे राउंड मारते हैं और घूमते हैं, फिर आगे का आनंद लेते हैं। अभी हम निकल गए हैं घर जाने के लिए, और बहुत ही मज़ा किया, और 1-2 क्लाइंट को प्रोडक्ट भी देना था, तो काम भी साथ में लेके घूम रहे थे, तो वो सारा चीज़ हो गया है, और फिलहाल घूमना था वो घूम भी लिए, और खुश भाई अभी सो गया है। सो फिलहाल आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल पर नहीं आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस वेरी सून नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, बाय। सो फाइनली ग्लास वाली